सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यामाहा वर्जन 4 लॉन्च हो चुकी है और उसके साथ साथ ही एक स्कूटी भी यामाहा ने लॉन्च की है 155 सेगमेंट में, जो कि काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगर आप स्कूटी से लॉन्ग ड्राइव करना चाहते हैं तो ये स्कूटी आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो इसकी प्राइस आपको 1,30,000 बताई जा रही है, लेकिन अगर ये शोरूम में आती है तो आपको ये कुछ ज़्यादा प्राइस देखने को मिलेगा, तो वो आप अपने सिटी के हिसाब से देख लेना। तो इसकी मैं फीचर्स आपको बता देता हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये वीडियो आप लोगों से मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लुक्स की। तो इसका लुक्स काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा इसका लुक आपको एट्रैक्टिव देखने को मिलता है। साथ में इसे LED सेटअप आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम देखने में लगती है। और अगर इसके टिल्ट की बात करें तो इसके पीछे में भी आपको पूरी LED लाइट्स देखने को मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा आपको कंफर्टेबल सीट देखने को मिल जाती है और साथ में ही आपको इसमें मोटरसाइकिल के जैसे 2 सॉकर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बात करें हम इसके रियर व्हील की, तो 140mm का आपको रियर वाइड व्हील के साथ आपको ये देखने को मिल जाता है, जो कि ऑफ रोडिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। साथ में इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है और इसका बूट स्पेस जो है वो 24.5 लीटर का आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके फ्रंट पॉकेट में आपको USB पोर्ट देखने को मिल जाती है, जिससे आप इजीली अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। और अगर बात करें हम इसके मीटर कंसोल की, तो इसका मीटर कंसोल फुल्ली LED आपको देखने को मिलता है, जैसे कि वर्जन 4 में आ रहा है वैसे ही इसको भी आपको सेम बनाया गया है। इसमें आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ साथ ये मिलता है आपको, जिसमें आप इजीली फ़ोन कनेक्ट करके इसके काफ़ी ज़्यादा फीचर्स यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव देखने में भी लगता है आपको। आगे बात करते हैं हम इसके इंजन की, तो इसमें आपको 155 cc का लिक्विड कूल इंजन FI VVA टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है एक स्कूटी में 155 cc का इंजन होना। साथ में इसके आपको कीज पे कुछ कंट्रोल मिल जाते हैं, इंजन का साइड स्टैंड कट ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसकी लुक्स और डिज़ाइन इतनी ज़्यादा एग्रेसिव बनाई गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील देती है। और अगर इससे आप लॉन्ग टूर करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 155 cc का लिक्विड कूल इंजन मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस वाइज आपको अच्छा फील देती है। इसमें आपको ऑटोमेटिकली स्टार्ट एंड स्टॉप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि ट्रैफिक में आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आपको बार बार स्कूटी को स्टार्ट एंड स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीचर्स दी गई है इसमें। अगर बात करें हम इसके कलर की, तो ये आपको 2 कलर में देखने को मिलती है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप कुछ इसमें एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगवाने वाली हैं तो वो आप यामाहा स्टोर से ही लगा सकते हैं, जो कि यामाहा अपने कस्टमर्स के लिए लाई है इस बार। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।